बन गई है हमारी टेस्टी हेल्दी वेजिटेरियन नूडल्स। मजा आया खाकर। हाय गाइस, आज मैं घर में नूडल्स बना रही हूँ। नूडल्स यानी चाउमीन। ये मैं बहुत लंबी लंबी थी, मैंने दो टुकड़ों में इसे तोड़ दिया है। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऊपर से मैं नूडल्स को डालूंगी, तब तक बॉईल करूंगी जब तक नूडल्स अच्छे से पकते नहीं है तब तक। जब तक अच्छे से पकते नहीं है तब तक मैं इसे बॉईल करूंगी नूडल्स को। नूडल्स में ऐड करने के लिए मैंने दो शिमला मिर्च, दो टमाटर, एक प्याज, दो गाजर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से धो के छिलका उतार के छोटी छोटी पीस में काटूंगी। मैंने गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को अच्छे से धो के इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको अच्छे से धो के छोटी छोटी पीस में काटूंगी। नूडल्स को मैंने छन्नी में इसके पानी छान लिया है। मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर को भी छोटी छोटी पीस में काट दिया है। नूडल्स भी पानी से निकाल लिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट ये एक कढ़ाई डालूंगी। और इसको हरी किसी फ्राई करूंगी। नमक ऐड कर देती हूँ स्वाद अनुसार। थोड़ी सी और फ्राई करूंगी और जितने भी सूखे मसाले बाद में ऐड करूंगी। हो गई है फ्राई। अब मैं सूखी मसाले सारा ऐड करूंगी। हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च मसाले, मिर्च पाउडर थोड़ी सी ऐड किया है। थोड़ी सी सिरका भी ऐड करूंगी। और लास्ट में मैं बॉईल किया हुआ नूडल्स ऐड करूंगी। बन गई है हमारी यम्मी टेस्टी हेल्दी नूडल्स। वाओ, कितने बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंने नूडल्स को दो टुकड़े में कर दिया था, तोड़ दिया था। ज़्यादा लंबी लंबी भी अच्छे नहीं लगता तो छोटी छोटी पीस कर दिया था। वाओ, वेज नूडल्स। वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया खाकर।